हाँ भाई, कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल तक हम लोग दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और ये हमारा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आगे की। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उसके सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक में एक टॉपिक आया था जिसका नाम था लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वहां पर एक वर्ड हमारे सामने निकल कर आया था जो मैंने आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर में कि इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा उसी वर्ड से स्टार्ट है बच्चों, और उसका नाम है क्वार्क, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप बहुत ही छोटे लेवल पर पहुंच जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटोन के अंदर या न्यूट्रॉन के अंदर, तो वहां कुछ एलिमेंट्री लेयर्स आ जाती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्वार्क। यानी एक आसान लैंग्वेज अगर हम आपको बताएं तो आसान लैंग्वेज ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जिन लेयर से मिलकर बने होते हैं उन्हीं लेयर को हम क्वार्क का नाम देते हैं स्टूडेंट, वही लेयर हमारी क्वार्क कहलाती है, ठीक है। तो आज की जो हमारी पहला टॉपिक है, आज की जो हमारी पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट, उसका नाम है क्वार्क। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन लेयर से मिलकर बनता है उन्हीं लेयर को हम क्वार्क का नाम देते हैं। यानी क्वार्क एक तरीके की लेयर्स हैं जिनका यूज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए इन लेयर्स का यूज होता है, और इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ओके ओके स्टूडेंट, क्वार्क के जस्ट बाद जो हमारे सामने टॉपिक आता है इसका नाम है टाइप्स ऑफ क्वार्क। देखो, आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बता चुका हूं कि क्वार्क क्या है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने हैं उन्हीं एलिमेंट्री लेयर को हम क्वार्क का नाम देने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो अगला टॉपिक बनता है स्टूडेंट, इसका नाम है टाइप्स ऑफ क्वार्क। ये जो हमारे पास में टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वार्क, क्वार्क के टाइप्स कितने हैं भैया? तो हमने आपसे कहा कि यार क्वार्क के दो टाइप हैं, अभी क्वार्क के सिर्फ दो टाइप हैं, ठीक है। एक टाइप वो है जिसके ऊपर इतना चार्ज होता है +2/3 × E, एक वो क्वार्क है जिसके ऊपर चार्ज होता है इतना -1/3 × E, एक क्वार्क वो है जिसके ऊपर +2/3 E का चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फेल करता है क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ई के सामने इंटीजर होना चाहिए, या इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वैलिड नहीं करेगा। सो टाइप्स ऑफ क्वार्क दो तरीके की हैं, एक वो जिसके ऊपर इतना चार्ज होगा और एक वो जिसके ऊपर इतना चार्ज होगा। अच्छा, अब जिस क्वार्क के ऊपर बच्चों इतना चार्ज होता है, देखते हैं कि उस क्वार्क को हम क्या नाम देने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि उस क्वार्क को हम क्या नाम देने वाले हैं। इसे हम नाम देने वाले हैं स्टूडेंट अपक्वार्क, अपक्वार्क रिप्रेजेंटेड बाय यू, इसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्वार्क जिसके ऊपर इतना चार्ज है, वो लेयर जिसके ऊपर इतना चार्ज है, उसका नाम है अपक्वार्क। एक और नाम से इसे हम लोग पुकारते हैं बच्चों, इसका नाम है टॉप क्वार्क, टॉप क्वार्क, टॉप क्वार्क, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक है। एक अपक्वार्क है, एक हमारे पास में टॉप क्वार्क है स्टूडेंट, एक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू से, एक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक है। अभी हम दूसरे वाले के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर चार्ज है -1/3 × E, इसका नाम लो जो डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग डी से, ध्यान से स्मॉल डी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा नंबर, अब जैसे देखो यार, अपक्वार्क +2/3, अब अपका उल्टा क्या हो गया है डाउन, तो -1/3 × E, ठीक है। दूसरा हमारे पास में हो गया है टॉप क्वार्क, ठीक है। अब वहां पर हम लोग पहुंचते हैं, वहां कंडीशन क्या बनेगी, टॉप क्वार्क का जो जस्ट उल्टा हमारा रहने वाला है स्टूडेंट, वो रहने वाला है बॉटम क्वार्क, बॉटम क्वार्क, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, ठीक है। अब यहां आते हैं लोग, एक और क्वार्क का नाम है, यानी आप ये समझिए कि जिसके ऊपर इतना चार्ज रहने वाला है, खाली उसका एक नाम नहीं है अपक्वार्क,
ट्रेंडिंग में उसका नाम अब क्वार्क है, जब हम 12वीं के लेवल तक पढ़ते हैं, यानी अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े बच्चों तो इसका नाम अब क्वार्क नहीं रहेगा, कई सारे नाम इसके बन जाएंगे। एक इसका नाम अप क्वार्क है, एक इसका नाम टॉप क्वार्क है, एक इसका नाम आता है बच्चों चार्म क्वार्क। चार्म क्वार्क रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसे स्मॉल सी से बच्चों, ठीक है। यहां इधर हमारे पास में आने वाला है स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट स्मॉल एस से। यानी आप ये समझिए जिस क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है उसके तीन नाम है, अप क्वार्क, टॉप क्वार्क, चार्म क्वार्क, और जिसके ऊपर इतना चार्ज है उसके तीन नाम है डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हमारे पास में टू टाइप्स की क्वार्क होती है। एक वो क्वार्क जिसके ऊपर इतना चार्ज है, मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, इसका कारण सिर्फ इतना है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से याद करें और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें कि जिसके ऊपर इतना चार्ज रहेगा उसके तीन नाम है अप क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड चार्म क्वार्क, ठीक है। और जिसके ऊपर इतना चार्ज रहेगा उसके भी तीन नाम है डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। बहुत अच्छे तरीके से आप ये बात स्टूडेंट याद रखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊं स्टूडेंट, देखो ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके साथ में क्या कहने वाला हूं आप लोगों से। भाई मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर चार्ज है प्लस के 2/3e, तो इस क्वार्क का नाम तीन नाम बन गए। इसे अगर मैं कहूं कि इतना चार्ज हो गया है माइनस के 2/3 e, अगर ये चार्ज प्लस का था तो इसके तीन नाम थे अप, टॉप और चार्म। जब यही चार्ज माइनस का हो गया है तो आप ये समझिए कि नाम तो यही रहने वाले हैं, बस इनके नाम के आगे एंटी लग जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। यानी इस क्वार्क का नाम बन जाएगा एंटी अप क्वार्क, इसका नाम बनेगा एंटी टॉप क्वार्क, इसका नाम बनेगा एंटी चार्म क्वार्क। आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है। अच्छा अभी आप यहां आ जाइए, देखिए ये चार्ज हमारे पास में कैसा है माइनस के 1/3 e है ना, माइनस के 1/3 e। अगर मैं आपसे कहूं, कोई आपसे पूछ ले एग्जाम में आ जाए या कहीं भी कोई भी आप लोगों से पूछ ले कि भैया ये चार्ज माइनस में नहीं है हमारे पास में, उसने कहा कि ये जो चार्ज है हमारे पास में थोड़ा ध्यान से, ये चार्ज हो गया है प्लस 1/3 e, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, क्यों, इंटीजर होना चाहिए 1.3, 1/3 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वैलिड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वार्क के लेवल पर पहुंचकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाता है। अच्छा अब जिसके ऊपर इतना चार्ज रहने वाला है स्टूडेंट, ठीक है, जिसके ऊपर इतना चार्ज रहने वाला है इसके नाम के आगे लगेगा एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है, और इन सब के आगे भी आपको एंटी ही लगा देना है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर ये चार्ज प्लस के 1/3 e हो गया है, प्लस के 1/3 e हो गया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एंटी डाउन क्वार्क, एंटी बॉटम क्वार्क एंड एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। तो मैंने आपको क्वार्क के बारे में बच्चों सब कुछ बता दिया है अच्छे से बिल्कुल। क्वार्क क्या है भाई, हम लोग अब तक ये जानते थे कि यार इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना होता है, बस उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आज हमें इस बात का पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ लेयर से मिलकर बना होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जिन लेयर से मिलकर बना होता है उन्हीं लेयर को हम लोग क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जिन लेयर से मिलकर बना होता है उन्हीं को हम लोग क्वार्क बोलते हैं, न्यूट्रॉन जिन लेयर से मिलकर बना होता है उन्हीं को हम लोग क्वार्क बोलते हैं। कितने टाइप की क्वार्क होती है, दो, जिसके ऊपर इतना चार्ज होता है उसके तीन नाम, जिसके ऊपर इतना चार्ज होगा उसके तीन नाम, इन्हीं का उल्टा क्या होगा, अगर यही चार्ज माइनस में हो जाए तो इन्हीं क्वार्क के सामने एंटी लग जाएगा, एंटी अप क्वार्क, एंटी टॉप क्वार्क, एंटी चार्म क्वार्क, और अगर यही चार्ज प्लस में पहुंच जाए तो इन्हीं क्वार्क के सामने हमारे पास में एंटी लग जाएगा। स्टूडेंट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका, जैसे कि एंटी अप क्वार्क, आप मुझे ये बताओ आपने अप क्वार्क को कहां से दिखाया था, यू से, एंटी अप क्वार्क बन जाएगा यू बार, एंटी टॉप क्वार्क बन जाएगा टी बार, एंटी चार्म क्वार्क बन जाएगा
सी बार. सिमिलरली एंटी डाउन पार्क डी बार, एंटी बॉटम पार्क बी बार, बी के ऊपर बार बना देना है, एंटी स्ट्रेंज पार्क एस के ऊपर बार. तो ये पूरी कहानी क्वार्क को लेकर है. जनरली ये बात स्टूडेंट हमें 12वीं यानी 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इसके ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी गई है. ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे और अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हमारी पूरी बात को आपको लेकर हो गई है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैं आपको बताता हूं. नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं. ये हमारा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बच्चों, पूरी कहानी वही है. मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है. इस पूरे सवाल के अंदर वही बात की गई है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं. तो आप हमें ये बताइए, अगर प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज है प्लस ई, प्रोटॉन के ऊपर अगर इतना चार्ज है तो बताइए कि प्रोटॉन किन तीन क्वार्क से मिलकर बना है. सब एटॉमिक पार्टिकल तीन क्वार्क से मिलकर बना होगा बच्चों, तो आपको ये बताना है कि प्रोटॉन किन तीन क्वार्क से मिलकर बना है. ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज है. तो अभी आप लोग देखिए, यानी ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है. हमें इस प्रोटॉन को स्टूडेंट तीन क्वार्क से बनाना है. मैंने पहली क्वार्क ये बनाई, दूसरी क्वार्क ये बनाई, तीसरी क्वार्क ये, नंबर वन क्वार्क, नंबर टू क्वार्क, नंबर थ्री क्वार्क, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन. ठीक है, हमें तीनों क्वार्क के चार्ज को ऐड करके, यानी इसका चार्ज इतना रखना है, इसका चार्ज इतना रखना है, इसका चार्ज इतना रखना है, तीनों को ऐड करके ये वाला आंसर आना चाहिए. अब आप अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालिए कि हमारे पास में दो ही टाइप की क्वार्क है. अप क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है, बाकी के नाम भूल जाइए आप, सिर्फ अप को और डाउन को याद रखिए. अप क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है और डाउन क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है. अगर मैं इनका एंटी करूंगा तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा. ठीक है, अप क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है और डाउन क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज है. तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, आप ये देखिए, हमें ये करना है कि भैया वन की जगह यार हम लोग क्या रखें, टू की जगह हम लोग क्या रखें, यू और टी में से हम लोग क्या रखें, कि इन तीनों को जोड़कर इतना आंसर आना चाहिए. तो देखिए करते हैं. मैंने ये माना, इस पहले वाले क्वार्क को मैंने अप क्वार्क कलेक्ट कर दिया बच्चों, दूसरे वाले क्वार्क को भी मैंने अप क्वार्क मान लिया है, और तीसरे वाले क्वार्क को मैंने डी मान लिया है. ठीक है, हम इसे डी यू यू भी कह सकते हैं और यू यू डी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोटॉन तीन ही लेयर से मिलकर बना है. मैंने एक लेयर को मान लिया है यू यानी अप क्वार्क, दूसरी लेयर को मान लिया है यू अगेन अप क्वार्क, थर्ड लेयर मैंने मान लिया है डी यानी डाउन क्वार्क. एक बार अपने आंसर को हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं स्टूडेंट की कितना चार्ज आने वाला है. सो देखिए, चार्ज इज इक्वल टू यू यानी अप क्वार्क प्लस टू बाय थ्री, यू प्लस टू बाय थ्री ई. ठीक है, डी माइनस के वन बाय थ्री. मैंने आपको सिखाया था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज को जोड़ते समय जो प्लस हो उसे प्लस लो, जो माइनस हो उसे माइनस हो. चार्ज की सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. तो मैंने यहां वही कॉन्सेप्ट लगाया, जब मैं इन तीनों के चार्ज को ऐड कर रहा हूं तो जो प्लस है उसे प्लस किया, जो माइनस है उसे माइनस किया. सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा थ्री, टू यू टू ई प्लस टू ई माइनस के वन ई, टू और टू फोर, फोर में से हम माइनस करेंगे, थ्री कैंसिल आउट, आंसर आ गया है प्लस ई. यानी जो हमने बनाया है वो पूरी तरीके से करेक्ट है. प्रोटोन जिन तीन लेयर से मिलकर बना है स्टूडेंट, उन तीन लेयर का नाम हमारे पास में हो गया है यू यू डी. प्रोटोन इन तीन लेयर से मिलकर बना है, यू यू डी. बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पर. इस बार हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन को लेकर. देखो अगला है हमारे पास में न्यूट्रॉन, ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन किन तीन लेयर से मिलकर बना है.
सेकंड कंडीशन बच्चों हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है बच्चों वो होता है जीरो। आप लोग जानते हैं यार न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आपको तीन लेयर को इस तरीके से रखना है कि तीनों को जोड़कर आंसर जीरो आना चाहिए। और उन तीन में कौन कौन होना चाहिए? सिर्फ दो। एक का नाम क्या है? यू। एक का नाम क्या है? डी। यानी यू और डी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आंसर जीरो आए। यू और डी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आंसर जीरो आए। कैसे करेंगे? जरा देखिए आप, मैंने न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन मान ली है स्टूडेंट यूडीडी। ये न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन है यूडीडी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई? जरा देखो, यू प्लस टू बाय थ्री ई, डी माइनस के वन बाय थ्री ई, डी माइनस के वन बाय थ्री ई। यू यानी अपवर्क दिस, डी यानी डाउनवर्क दिस, डी यानी डाउनवर्क दिस। ठीक है, जो प्लस में है उसे प्लस में लिया, जो माइनस में है उसे माइनस में लिया। देखो माइनस के वन बाय थ्री ई माइनस के वन बाय थ्री, इन दोनों से ये कैंसिल आउट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ। यानी जो हम लोगों ने रखा है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। प्रोटोन तीन लेयर से मिलकर बना है और उन लेयर की फॉर्मेशन है स्टूडेंट यू यू डी। न्यूट्रॉन भी तीन लेयर से मिलकर बना है, उनकी फॉर्मेशन है यू डी डी। ठीक है, आखिर का जो नंबर आता है बच्चों हमारे पास में वो इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। हमने ये माना कि भैया इलेक्ट्रॉन भी तीन लेयर से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन भी हमारा तीन लेयर से मिलकर बना है। पहली लेयर को हमने माना डी, दूसरी लेयर को डी, तीसरी लेयर को डी। यानी हमने माना कि इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन है वो तीन लेयर से हुआ है और ये तीन लेयर हम लोगों ने मान लिए डी डी डी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? इतना चार्ज होना चाहिए और उतना ही है। हमने जब इन दोनों लेयर को एडजस्ट कुछ इस तरीके से किया, थोड़ा सा बुद्धि के ऊपर जोर डालना है यार, यू और डी को कुछ इस तरीके से तीन लेयर में एडजस्ट करना है कि आंसर ये आना चाहिए। जब हमने एडजस्ट किया तो आंसर आया यू यू डी। न्यूट्रॉन के लिए यू और डी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आंसर जीरो आना चाहिए। हमने एडजस्ट किया, आंसर बना यू डी डी। न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन ये है, प्रोटॉन की फॉर्मेशन ये है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाते हैं। पहली लेयर भी डी, दूसरी लेयर भी डी, तीसरी लेयर भी डी। चेक करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। आंसर माइनस की आना चाहिए। जरा देखते हैं कि आंसर माइनस की आता है या नहीं आता है। पहला क्या है? डी माइनस के वन बाय थ्री ई, फिर डी माइनस के वन बाय थ्री ई, फिर डी माइनस के वन बाय थ्री ई। ऐसे में थ्री माइनस की माइनस की माइनस की माइनस के थ्री कैंसिल आउट, तो फाइनल इज माइनस ई। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज रहने वाला है, ये भी हमारा करेक्ट है स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, मैं एक बार में आपके सामने लिख देता हूं। प्रोटॉन यू यू डी, न्यूट्रॉन यू डी डी, इलेक्ट्रॉन डी डी डी। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में तीन पार्टिकल की फॉर्मेशन ये रहने वाली है। हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हम लोगों से सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आप लोगों को अपनी तरफ से बता दिया है स्टूडेंट। ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट क्वार्क की बात हम लोगों ने कर ली है, अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अभी आप लोग देखें कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। प्रॉब्लम देखते हैं कि हम लोगों से क्या पूछी गई है। अ लैंप ऑपरेट इन अ सर्किट हैज अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर। तो सबसे पहले आंसर में हम लिख देते हैं कि हमें डेटा क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है 2.5 एम्पीयर। ठीक है, इन अ फिलामेंट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू द लैंप। ठीक है, देखो प्रॉब्लम बड़ी आसान है अगर हम लोग इस बात को ध्यान से समझें। तो उसने हमें ये कहा एक लैंप के अंदर से इतनी करंट पास होती है 2.5 एम्पीयर। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम में वन मोल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से पास होंगे? करंट पास हो रही है 2.5 एम्पीयर,
कितने टाइम में एक मोल इलेक्ट्रॉन पास होंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग आपको याद दिला देते हैं, वन मोल इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब एवोगैड्रो नंबर से होता है स्टूडेंट, एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं 6.022 × 10³। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे पास में वन मोल के अंदर। अब बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, कैसे करेंगे जरा देखो। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, इक्वेशन नंबर वन, क्यू इज इक्वल टू आई। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में क्यू इज इक्वल टू एनी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इसे भी जानते हैं, ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, कहीं 10th क्लास के अंदर हम लोगों को पढ़ाया जाता था। आई यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है उस फॉर्मूले को याद करें अच्छे से। ये हम लोगों ने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा। अब देखो इक्वेशन वन भी चार्ज के इक्वल, इक्वेशन टू भी चार्ज के इक्वल। सो इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू, क्यू इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू एन ई। ओके स्टूडेंट, सो टाइम इज इक्वल टू एन ई अपॉन करंट, ये हमारे पास में टाइम की वैल्यू हुई है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। टाइम इज इक्वल टू एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने स्टूडेंट, इतने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 6.022 × 10³। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे, बहुत मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। करंट आपको दे रखी है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, दोनों को इक्वल रखेंगे, टाइम यहां से कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय करंट। देखिए करंट की वैल्यू कितनी रहने वाली है, करंट की वैल्यू 2.5, डिवाइड करेंगे आंसर निकल जाएगा सेकंड के अंदर। सो स्टूडेंट इतना टाइम लगने वाला है वन मोल इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर से पास होने के लिए। तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को न्यूमेरिकल की बात की, जिसमें हमने टाइम को कैलकुलेट किया। लास्ट में कुछ वैल्यूज लिखी हुई थी, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करनी है। जितनी आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें और अपना आंसर निकालें फाइनल, और आप कमेंट के अंदर अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो मैंने आज की क्लास में अभी तक आपको दो चीजें बताई है, क्वार्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो जिन लेयर से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्वार्क बोलते हैं। कितने टाइप की क्वार्क होती है, कितने टाइप की हमारी क्वार्क है, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, और अदर क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। प्रोटॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है, ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो इस चीज को अंडरलाइन करके अपने कॉपी के अंदर मेंशन कर लें और नीट पॉइंट इसके ऊपर मेंशन कर लें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जस्ट हमने अभी आपको एक न्यूमेरिकल बताया, ये जो प्रॉब्लम हमने आपको बताई है ये जेई की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्ज का दूसरा फॉर्मूला है एनी, हम दोनों को बराबर रखे टाइम की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा आपके सामने मेंशन है, टॉपिक टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन बच्चों बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने 11th क्लास के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल वही कहानी हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है बच्चों। ठीक है, पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक आसान डेफिनेशन देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर अपनी कॉपी के अंदर जब आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, यानी मैं आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं कि चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो, पैदा नहीं कर सकते हो चार्ज को, और ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
आप सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके आगे चलकर हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के अलग अलग मेथड सीखेंगे। अलग अलग मेथड क्या है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक बड़ी इजी डेफिनेशन है, और मुझे लगता है कि लगभग लगभग हर स्टूडेंट को एनर्जी के हिसाब से ये डेफिनेशन याद होगी, और जिन लोगों को यार याद भी नहीं है, बड़ा आसान है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं, वो ये है कि भैया ना तो हम चार्ज को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना तो चार्ज को पैदा कर सकते हैं, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो ट्रांसफर करने के तरीके क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसे हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है स्टूडेंट, ओके। चलिए इसके तुरंत बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल देखने हैं यार, क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चार्ज कंजर्व हो सकता है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आप लोग जरा देखिए। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास में फिजिक्स की लैंग्वेज में बच्चों, इसे हम पेयर प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे पेयर प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं पेयर प्रोडक्शन के नाम से, मैं आपको बताता हूं। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, गामा, इसे हम लोग बोलते हैं गामा रेज, गामा रेज, ठीक है। न्यूट्रल होती है बच्चों, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल है। गामा स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो गया बच्चों ई प्लस और ई माइनस में, ठीक है। गामा दो हिस्सों में टूट गया, एक ई प्लस में और एक ई माइनस में। देखो आप ध्यान से, गामा के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, गामा पूरी तरीके से न्यूट्रल है। मैं अगर आसान शब्दों में आपसे कहूं तो यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे काम करेगा, बड़ा आसान है यार, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आते हैं। जो आपका रिएक्टेंट है इसका चार्ज प्रोडक्ट के चार्ज के बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर होना चाहिए। बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर कितना चार्ज है, जीरो। राइट हैंड साइड पर हम लोग देखते हैं कि कितना चार्ज होगा बच्चों, राइट हैंड साइड पर हम लोग देखते हैं कि इधर कितना चार्ज होगा। देखो कितना चार्ज होना है इस तरफ, क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस जरूर है लेकिन प्रोटोन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का भाई है। इसके अंदर अच्छी अच्छी खास बातें हैं, यानी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, इसके अंदर नेगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो E प्लस है ये प्रोटॉन नहीं है, इसका नाम है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, या हम लोग इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बीटा पॉजिटिव। इसके ऊपर इतना चार्ज होता है बच्चों प्लस E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है माइनस E, कैंसिल आउट, टोटल चार्ज कितना आया जीरो। अब आप एक बात देखो, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, दोनों के चार्ज बराबर हैं, इसका मतलब है कि चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक में प्लस एक में माइनस। बिल्कुल इजीएस्ट यानी इजी वे में आंसर इसका यह है, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर है, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है बच्चों, आपको याद रखनी है बात अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नंबर टू का नाम है बच्चों एनीहिलेशन प्रोसेस, एनीहिलेशन प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एनीहिलेशन प्रोसेस क्या है, अगेन इसी का रिवर्स कर देना है, इसी का उल्टा कर देना है, पॉजिट्रॉन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये मिलेंगे गामा गामा दो बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखो कि इधर का चार्ज कितना होना है हमारे पास में, भाई इधर का चार्ज कितना होना है जीरो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, आंसर जीरो। गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो इसका चार्ज भी कितना हो गया जीरो, ना इधर को कोई चार्ज है ना उधर कोई चार्ज है, चार्ज कंजर्व हो गया स्टूडेंट। इधर का चार्ज इधर के चार्ज के बराबर, इधर का चार्ज इधर के चार्ज के बराबर, यानी यहां भी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, यहां भी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, अच्छे से आपको ये बात याद रखनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235
प्लस 0N1। देखो यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन आके टकराया, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, आपको ये नहीं समझना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि चार्ज कंजर्व है या नहीं है। यहां भी चार्ज कंजर्व है, यहां भी चार्ज कंजर्व है। अब यहां हम लोगों को देखना है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी बात जैसे जैसे हम सिलेबस पढ़ते जाएंगे आपके सामने आती जाएंगी। आपको जितना सिर्फ बताया गया है उस पर आपको गौर करना है कि चार्ज कंजर्व है या नहीं है। 92 यूरेनियम 235 0N1, ठीक है। जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगे बच्चों, देखो क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा, हमारे पास में बनेगा 56 बेरियम 141, उसके बाद 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे प्लस इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये पूरी रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट। मैं आप लोगों से आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं कि आपको ये नहीं देखना है कि रिएक्शन कैसे हुई, आपको सिर्फ इतना देखना है कि चार्ज कंजर्व है या नहीं था, ठीक है। देखो अगर मैं पता लगाऊं कि यार चार्ज कंजर्व था या नहीं था, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, यानी इधर कोई चार्ज नहीं है, और मैं इधर देखूं तो ये सब न्यूट्रल है, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, यानी चार्ज इस रिएक्शन के अंदर भी कंजर्व रहने वाला है बच्चों। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान भी चार्ज कंजर्व रहेगा, एनिहिलेशन प्रोसेस के दौरान भी चार्ज कंजर्व रहेगा, पेयर प्रोडक्शन के दौरान भी चार्ज कंजर्व रहेगा। मेन मुद्दा और मेन बात यह है आपको इन रिएक्शंस के नाम याद रखने हैं और इतना याद रखना है कि इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, चार्ज कंजर्व रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये आपके सामने सिंपल सी बात है, याद रखेंगे ना आप लोग, दिस इज पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि गामा से दो पेयर बन गए, ई प्लस और ई माइनस बन गया, एनिहिलेशन ई प्लस और ई माइनस के जुड़ने से गामा बन गया, और वो हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूं, क्या एग्जाम्पल है जरा मैं आपको बताता हूं, मैं यहां आपके सामने वो एग्जाम्पल रख रहा हूं स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, जस्ट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे, आप याद कर भी लिए होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के डेफिनेशन में एक और बार आपके सामने दोहरा देता हूं, क्या है, चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कंजर्व रहना है स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन के दौरान चार्ज कंजर्व रहना है, एनिहिलेशन प्रोसेस के दौरान चार्ज कंजर्व रहना है, न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहना है। मेरी बात को उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके सामने, जितनी बात मैं बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करें कि चार्ज कंजर्व रहता कैसे है, चार्ज कंजर्व कैसे रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है रिएक्टेंट का चार्ज प्रोडक्ट के चार्ज के बराबर होना चाहिए, जितना चार्ज लेफ्ट साइड में है उतना ही चार्ज राइट साइड में होना चाहिए, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कहानी है बच्चों। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहां बताता हूं, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल बताए, एक और एग्जांपल है मेरे पास में, बढ़िया एग्जांपल है, आपको समझ में आएगी बात, ठीक है, कैसे है जरा देखते हैं। देखो हमारे पास में दो बॉडीज हैं, बॉडी ए है बॉडी बी है, कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं, अब आपको तो यार रट गया होगा बहुत अच्छे तरीके से ये कि हमारे पास में दो बॉडी हैं, इस बॉडी पर भी अभी जीरो चार्ज है, इस बॉडी पर भी अभी जीरो चार्ज है, दोनों बॉडी पर अभी जीरो चार्ज है, दोनों बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है स्टूडेंट, पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने दोनों बॉडीज को आपस में रबिंग कराया, मैंने दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर घिसा, और जैसे ही मैंने दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर घिसा, आप ये देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने घिसा ए वाली बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वाली बॉडी पर चले गए, अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। मैंने माना कि एन इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां ट्रांसफर हो गए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, यहां इतना पॉजिटिव आ गया, यहां कितना नेगेटिव आया बच्चों, यहां नेगेटिव आया Q2 डैश इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, एन,
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है e, यहां इतना पॉजिटिव है यहां इतना नेगेटिव है। अब आप एक बात बताइए कि जब तक मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रबिंग नहीं कराया था इस पर कितना चार्ज था जीरो, इस पर भी कितना था जीरो, यानी चार्ज बिफोर रबिंग, रबिंग कराने से पहले पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है बच्चों जीरो। अरे है या नहीं है, बिल्कुल है, जब तक मैंने एक दूसरे के ऊपर नहीं घिसा ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, टोटल चार्ज जीरो। ओके, घिसने के बाद क्या हुआ, घिसने के बाद यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए, यहां इतना पॉजिटिव आ गया और यहां इतना ही नेगेटिव आ गया, सो चार्ज आफ्टर रबिंग, रबिंग कराने के बाद चार्ज कितना हो गया है प्लस एन ई और माइनस के एन ई, कैंसिल आउट, आंसर जीरो। सो अब आप देखिए बिफोर रबिंग, घिसने से पहले टोटल चार्ज कितना था जीरो, घिसने के बाद टोटल चार्ज कितना है जीरो, इट मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पहले चार्ज कितना था जीरो, बाद में भी कितना है जीरो, ना बना ना डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन 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 ध्यान रखो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर जरूर हुआ है, एक पर ट्रांसफर होने की वजह से एक पर कैसा आ गया है पॉजिटिव और दूसरे पर कैसा आ गया है नेगेटिव। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा ये डेफिनेशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है बच्चों, पहले चार्ज जीरो था बाद में चार्ज जीरो है, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन ट्रांसफर जरूर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और जिससे निकला है उस पर पॉजिटिव आया है प्लस एन ई और जिस पर पहुंचा है उस पर नेगेटिव आया है माइनस एन ई। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अब देखिए सामने हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग में ना एक फ्लो तैयार करना है, फ्लो तैयार करना है फ्लो, ठीक है। फ्लो जब हम तैयार करेंगे तो क्या कंडीशन बनने वाली है, यानी आप ये समझिए कि हमने आपको आज बताया क्वार्क के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वार्क के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन किस चीज से मिलकर बने होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जो एग्जाम्पल हैं वो हमने आपको बताए, पेयर प्रोडक्शन, एनीहिलेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड लास्ट एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल बताया जिसका यूज करके हम डेफिनेशन को बड़े आराम से समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, अगला टॉपिक है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मैं इसे क्या एक्सप्लेन करूं यार, मैं कई बार आप लोगों के सामने इसकी कहानी इनडायरेक्ट तरीके से कह चुका हूं, जैसे कि मैंने भी जस्ट पीछे आपको पढ़ाया कि जैसे ही रबिंग कराएंगे एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे, एक के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर एक बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो गए तो एक बॉडी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब तुम ये बताओ कि पॉजिटिव किस पर आया है, पॉजिटिव किस पर आया है, पॉजिटिव उस पर आया है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकले हैं तो उसका मास क्या हो गया, उसका मास डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास में इस टॉपिक के अंदर दो पॉइंट बनते हैं बच्चों, पहला पॉइंट यह है कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है और प्रोटॉन में भी मास होता है, अगर मास ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे तो चार्ज कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि चार्ज विदाउट मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट, चार्ज बिना मास के बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज का मास के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, अगर मास है तो चार्ज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मास नहीं है तो चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है आफ्टर रबिंग घिसने के बाद हमेशा उसका मास डिक्रीज कर जाता है,
और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है आफ्टर रबिंग हमेशा उसका मास मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है, हमेशा उसका जो मास है वो इंक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो उसका मास होगा वो डिक्रीज होगा। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, यही पूरी बात इस टॉपिक के अंदर बताई गई है। थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन तीन बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मास के बिना, विदाउट मास चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना मास के किसी बॉडी पर चार्ज नहीं आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज आने से मास डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज आने से मास इंक्रीज होगा। ये तीन बातें हैं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में चार्ज इज इनवेरिएंट। यार बढ़िया टॉपिक है, मतलब पॉइंट बड़ा छोटा सा है लेकिन मेरा पसंदीदा पॉइंट है, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये पॉइंट। मैं आपको एक लाइन में इसे डिफाइन करूं तो इसका मतलब यह है कि चार्ज कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, वो ये है, मैंने माना कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, फिक्र मत करिए दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, रेस्ट देखकर एकदम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन सामने आ जाती है। मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना रहने वाला है बच्चों, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लेकिन मैं अगर इसी इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड से मूव कराना स्टार्ट कर दूं, लाइट की स्पीड जानते हैं सभी लोग, बताओ जरा कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जानते हो कितनी स्पीड होती है? ये इतनी स्पीड होती है कि अगर हम इस स्पीड से चलें तो पूरे अर्थ के एक सेकेंड में तीन चक्कर लगा लेंगे, ये जो पूरी अर्थ है ना हम लोग तीन राउंड कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ एक सेकेंड के अंदर तीन राउंड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये इतनी ज़्यादा स्पीड है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसके ऊपर इतना चार्ज है, लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड यानी इतनी स्पीड से मूव कराना स्टार्ट कर दूं, क्या इसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो पॉइंट ये है, चार्ज इज इनवेरिएंट मींस चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तुम इसे मूव कराओ या ना कराओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे तुम इसे रेस्ट में रखो, चाहे तुम इसे धीरे धीरे मूव कराओ, चाहे तुम इसे तेजी के साथ मूव कराओ, चाहे तुम इसे लाइट की स्पीड के साथ मूव कराओ, चार्ज की वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इसका मास जरूर बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाते रहोगे इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी इसका मास बढ़कर इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो, चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब रेस्ट में है तब भी इतना ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जब इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है तब भी इसका चार्ज इतना ही है, मेरी बात को समझिए ध्यान से। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक, आइंस्टाइन के मुताबिक, चार्ज के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास बढ़कर इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मास हो जाएगा बच्चों, इतना ज्यादा मास हो जाएगा कि बिल्कुल उसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट हो जाएगा जब ये लाइट की स्पीड से मूव करेगा, लेकिन चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट का नाम है चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, देखिए ये हमारे पास में ना लास्ट पॉइंट है बच्चों, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। आज मैं इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक बहुत मामूली सी बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल तेजी के साथ में एक्सीलरेट करता है या डीएक्सीलरेट करता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करता है। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है बच्चों, तो हम लोग इसे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी है। सो, बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 था। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो कि भाई पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया है और टिल 15 अप्रैल तक हो गया है, मैं तो आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, थोड़ा बायोलॉजी की क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, एक या दो दिन में आप लोगों की वो भी क्लास कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि दो दिन की क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेगी, वो हमने एक्सटेंड करके बच्चों सैटरडे तक कर दिया है।
आपके सैटरडे तक की जो क्लास है यानी शनिवार तक की जो क्लास है वो यूट्यूब पर चलेंगी, और मंडे से हम आपको प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेंगे। संडे में सभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें, संडे से पहले पहले सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन हमारे पास में करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान प्रोसेस है। मेरा या सर का व्हाट्सएप नंबर आपके पास में होगा, आप लोगों को अपना नाम, स्कूल नेम, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो, आप तीनों चीज़ हम लोगों को थ्रू वाया व्हाट्सएप आप हमारे पास में भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हमारे चल रहे हैं, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी नंबर आपको दूंगा कि भाई व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हमारे चल रहे हैं ये नंबर हमारे व्हाट्सएप, गूगल पे पर या फोन पे पर या पेटीएम पर रजिस्टर्ड है। आप अपने रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 250 रुपीज़, वो व्हाट्सएप के जरिए, गूगल पे के जरिए या फोन पे के जरिए हमारे पास में भेज सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस हमारे पास में रिसीव होगी तुरंत आपको यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो के साथ साथ DPP, डेली टेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPP का सॉल्यूशन, टेस्ट का सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के लिए वहाँ रखी हैं, ठीक है। आप लोगों को खूब मज़ा आने वाला है वहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर आप लोगों का लिया जा रहा है इसमें भी आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो स्टूडेंट आपको एक काम करना है, मेरे पास में मेरा नंबर 9837889953, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप थ्रू कॉल या व्हाट्सएप, मेरे पास में कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ओके।